ओडिशा जंगल बाहर राज्य को युची काठ चालान काठ माफिया टन टन मूल्यवान काठ अन्य राज्य को चोरा चालान करपरी भाव बलांगीर जिला पाटनागढ़ बनांचल अंचल हरियाणा राज्य को विपुल परिमाण मूल्यवान काठ चालान होता बेले पाटनागढ़ माड़ बसी स्थानीय पुलिस सूचना अनुसार गतकाल पाटनागढ़ पुलिस पेट्रोलिंग करुवा समय विशेष सूत्र खबर पाई बर्थला छक निकटने खईर बोझ एक ट्रक को अटकई तदंतर जमापड़ा से विपुल परिमाण खईर काठ बोझ पाटनागढ़ ब्लक तुर्लामाल जंगल बाहर राज्य हरियाणा स्थित नीलगिरी को चालाण होता पुलिस जानवाक एने ट्रक नंबर एचआर 46D7092 सह ड्राइवर एवं हेल्पर को थाना को आनी अटक रखी अधिक तदंत जारी रखी जमापड़ी एने फॉरेस्ट आक्ट अनुसार पाटनागढ़ थाना केस नंबर 128/24 एक मामला रुजु कर ड्राइवर एवं हेल्पर को कोर्ट चलाण करमलें जेकोसी लोक संप्रक्त थे से खूब शीघ्र गिरफ पाटनागढ़ एसडीपीओ सदानंद पूजारी सूचना देते जबत होता काठर आनुमानिक मूल्य 4 लक्ष अधिक होनापड़ी अंचल विपुल परिमाण में काठ बाहर राज्य को चालाण होता बेले वन विभाग छोट छोट मरुवा बेले बड़ बड़ मसी जा पाटनागढ़ पुलिस एत बड़ बेआईन चोरा काठ चालाण को धरवर जनसाधारण पुलिस को साधुवाद जनता बेले वन विभाग कार्यकलाप सन्देह करण आलोचना हो गत काली गोटे खबर मिलला कि गोटे ट्रक रे गछ आसुचे से आम गाड़ी चेकिंग करूँ बथरला छक गाड़ी चेकिंग कला समय गोटे ट्रक आसला जार नंबर के एचआर 46D7092 आम इंटरसेप्ट कलु आम स्टाफ थी से जना पड़ा कि भेरीफाए कला बेले बहुत गुड़ा खईर काठ थी आ से जना पड़ा काउंट कला बेले जे 21टा बहुत बड़ बड़ साइज बिग साइज खईर उडन आउ 350टा स्मॉल साइज दुईटा एक्स गोटे रोप से गाड़ी रे लोड होता से गाड़ी रे दुई जन थे एक्यूज गोटे जे ड्राइविंग करूला तार नाँ हूँ अनिल कुमार आउ जो खगेश्वर मेहर थी से पचार जना पड़ा कि से गोटे पखापाखी मैंने नहीं था हरियाणा तुर्ला मालू से हरियाणा नौते ट्रांसपोर्टिंग लगे आईज एरेस्ट होती ये गाड़ी आईटा सीज हो जार अनुमानिक मूल्य एक्चुअली गाड़ी काठर 4 लक्ष ऊर्ध हम और गाड़ीटा 30 लक्ष होने आज कोर्ट चालाण हे एरेस्ट होती ए संक्रांत गोटे केस पाटनागढ़ थाना 128/24 अंडर सेक्शन 379/120B/27 ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट आज कोर्ट चालाण होते यहाँ प्राथमिक तदंतर आज जहाँ जमापड़ी अलग मैंने भी अच्छा बट ये डिस्क्लोज कले काले से एक्यूज मैंने चान्स पाए से आम जो मैंने भी इन्वेस्टिगेशन परिसर को आसवे से अरेस्ट फॉरवर्ड पाटनागढ़ प्रसन्न महापात्र रिपोर्ट ओडिशा हलचल।